राज्य में हेमंत सोरेन सरकार को अस्थिर करने का प्रयास भाजपा की ओर से किया जा रहा है, जिसका परिणाम है कि सरकारी एजेंसी ईडी सीबीआई का बीजेपी दुरुपयोग कर रही है और हेमंत सरकार को अस्थिर करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री को निशाना बनाया जा रहा है। ये कहना है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। इसी के विरुद्ध में शनिवार की शाम झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी की ओर से जामताड़ा में मशाल जुलूस निकाला गया। पार्टी कार्यालय से मशाल जुलूस इंदिरा चौक होते हुए मुख्य बाजार के रास्ते कायस्थपाड़ा में मोड़ टावर चौक होते हुए सिद्धू कानू चौक होते हुए सुभाष चौक पहुंची, जहां जमकर भाजपा के विरुद्ध कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। इंकलाब जिंदाबाद। केंद्र सरकार के द्वारा ईडी के माध्यम से झारखंड में झारखंड सरकार को पदस्थ करने की साजिश रची जा रही है और हमारे हेमंत सोरेन जी ने यह ठान लिया है कि ईडी के जो द्वारा जो अन्याय किया जा रहा है, केंद्र सरकार के जो अन्याय किया जा रहा है, इसके ताबूत में कील ठोक कर हम लोग रहेंगे और किसी कीमत पर केंद्र सरकार ईडी का मनोकामना को पूर्ण नहीं होने देंगे। झारखंड सरकार जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, शिबू सोरेन जिंदाबाद। हम लोगों का मांग है कि केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी हम लोग और सीबीआई जिस स्टेट में भाजपा का विरोधी पार्टी है उस पर ईडी और सीबीआई लगा दिया जाता है। आदिवासी मुख्यमंत्री पर भारी अत्याचार हो रहा है। हम लोग इसका मांग कर रहे हैं कि इसका निष्पक्ष जांच हो।